मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक कथावाचक ने कुंडली देखने के नाम पर ग्रह दोष दूर करने के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। दुष्कर्म की घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां एक पंडित ने ज्योतिष विद्या की आड़ में युवतियों को फंसाने व उनके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया है। आरोपी को पुलिस ने आश्रा के नजदीक गांव से गिरफ्तार किया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की थी कि एक पंडित द्वारा, जिसका नाम घनश्याम शर्मा है, वह उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा है। वहीं शादी का झांसा देकर वह उसे उसके गांव भी ले गया था, जहां उसने मुझे बंधक भी बनाकर रखा था व मेरे कुछ अश्लील फोटो भी नशीला पदार्थ खिलाकर लिए थे एवं मेरे साथ दुष्कर्म भी किया। वह लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। गांव में ही वह कहीं आने जाने नहीं देता था, हमेशा वह बंधक बनाकर रखता था। जैसे तैसे पीड़ित युवती वहां से भागकर इंदौर पहुंची व पुलिस को इसकी सूचना दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह ज्योतिष द्वारा महिला के जो अश्लील फोटो खींचे गए थे वह पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसके नाम पर वह महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस तथा कथित पंडित द्वारा कई महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है। अगर कोई महिला इसके खिलाफ और भी शिकायत दर्ज कराती है तो मामला दर्ज किया जाएगा। एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है, सर क्या है पूरा मामला? ये एक महिला अभी लसूड़िया थाना पहुंची थी, जहां पर किसके द्वारा बताया गया कि जगदीश शर्मा नामक एक आष्टा का रहने वाला ज्योतिषविद है, इसके द्वारा फेसबुक पर उससे युवती से दोस्ती की गई और उसके बाद उसको झांसी में लिया गया। झांसी में लेने के बाद में उसको गलत तरीके से उसके फ़ोटो बनाए गए, उसके उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर लगभग 5-6 महीने तक उसको साथ में रखा। उसके बाद फिर उसकी वीडियो बनाकर और उसको वहां से भगा दिया गया। उसने पूछताछ में बताया कि इस ज्योतिष तथाकथित ज्योतिषविद द्वारा और भी महिलाओं के साथ में ऐसा किया गया है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध इसमें कर लिया है और जो आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया। सर बताया जा रहा है कि ज्योतिष नशीला पदार्थ पी रहा था। हाँ, इस तरह की चीज बताई है उस युवती ने अपने कथन। सर कुछ ब्लैकमेलिंग के भी कुछ ऐसे की भी बात सामने ही उस पर पूछा है? हाँ, जैसे अवैध संबंध बनाने के लिए इसने उसके फोटो खींचे थे और वीडियो भी बनाए थे, जिसके बाद उसने बाकी सब इस तरह के कृत्य से किए। सर और कुछ महिलाएं सामने आई होंगी कुछ इसके अलावा भी, क्योंकि कई लोगों से उसने संबंध बनाने का प्रयास करा, बनाए भी। अभी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस बात पर विवेचना की जा रही है कि क्या अन्य युवतियों के साथ भी उसने ऐसा किया। सर आरोपी कहाँ का रहने वाला था? आरोपी आष्टा का रहने वाला है और ये इसी तरह का काम करता है जैसा उसने बताया था युवती ने, इसी तरह का काम है उसका।